हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल द नोटिफिकेशन डिटेल्स इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देन सैलरी नंबर ऑफ वैकेंसीज एग्जामिनेशन पैटर्न ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल सो बिफोर आई स्टार्ट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स

प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग लगभग वही सिलेबस है वही पैटर्न है थोड़ी सी ट्विकिंग है बहुत ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट डेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस लिंक विल बी इनेबल दिया हुआ है फ्रॉम थर्टी दिसंबर टू जीरो जनवरी टू सो so दिसंबर को शुरू हो जाएगा और उनतीस जनवरी दो हजार इक्कीस तक ये आपको ड्यूरेशन इस ड्यूरेशन में आपको ये फॉर्म करना है कॉल लेटर्स विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल एसएमएस आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज वन ये भी आपको ईमेल या एसएमएस के द्वारा बता दिया जाएगा फेज टू के बारे में भी यही बताया गया है मतलब डेट के बारे में अभी इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है ये हो गया ग्रेड बी के बारे में सो ग्रेड बी और ग्रेड ए दोनों को हम डिस्कस करते चलेंगे साथ में सो so डेट की अगर बात करें तो दोनों का सेम ही है ग्रेड ए के लिए भी सेम डेट है और सारी इंफॉर्मेशन सेम है मतलब डेट्स हमें अभी सिर्फ फॉर्म फिलअप करने की पता है नंबर ऑफ वैकेंसी ग्रेड बी के लिए जनरल स्ट्रीम में है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जनरल स्ट्रीम में टोटल फोर वैकेंसीज है जिसमें जनरल के लिए थ्री है आईटी में टोटल एक ही वैकेंसी है जनरल पोस्ट के लिए अगर हम ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो जनरल स्ट्रीम के लिए यहाँ पे पोस्ट हैं छह वैकेंसीज हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी और टोटल नाइन वैकेंसीज है सो ग्रेड ए और ग्रेड बी मिला करके टोटल फोर्टीन वैकेंसीज हैं सो कहने को तो वैकेंसीज कम है लेकिन फिर भी मैं कहूंगी चूंकि अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हैं अदर बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा आप फॉर्म फिलअप करके बस आपको एक एग्जाम देना है लेकिन आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन uh, के अगर किसी एक एग्जाम में नहीं हुआ तो कम से कम किसी दूसरे में होगा अब देखते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो एज थर्टी ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम तीस नवंबर दो को मतलब जो अभी नवंबर बीत गया थर्टीएथ नवंबर 2020 को आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सारे पोस्ट्स के लिए एज का यही क्राइटेरिया है अगर हम क्वालिफिकेशन का देखें तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेड बी ऑफिसर के लिए जनरल स्ट्रीम सो यहाँ पे ये यह कहते हैं एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन चाहे तो आप किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री हो आपके पास या फिर बैचलर्स डिग्री हो इन लॉ या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या सी ए या सी एफ ए या सी एस या सी डब्ल्यू so, ए सो इसमें कोई भी एक हो तो आप क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं डेजिरेबल एक्सपीरियंस डेजिरेबल एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम थ्री इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑफिसर कार्डर इन डीलिंग विद्लम्स रिलेटिंग टू पेंशन और फिनेंशियल सेक्टर स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ इन्वेस्टिगेशन फिनांस इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर डिसिप्लिन कंसीडर्ड यूजफुल टू द ट्रस्ट ये आपका डिजिरेबल एक्सपीरियंस है ग्रेड बी के लिए जनरल स्ट्रीम के लिए अगर आई की बात करें तो आई के लिए क्वालिफिकेशन बोलते हैं बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस और मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन कंप्यूटर्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है ये आईटी के लिए हो गया यहां पे भी डिजिबरेबल एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम थ्री इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड ग्रेड ए के लिए ग्रेड ए ऑफिसर जनरल स्ट्रीम के लिए मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और बैचलर्स डिग्री इन लॉ और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और सी ए और सी एफ ए और सी एस और सी डब्ल्यू ए यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है सो so ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मल्टीपल स्ट्रीम के लिए और मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों के लिए फिलअप करते हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन देना पड़ेगा आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी इसके ऑफिस दिल्ली में ही हैं तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी प्लस अपियरिंग कैंडिडेट्स जिनका अभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है अपियरिंग कैंडिडेट्स भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होगा उस समय आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा रिजल्ट सो so, ये इंपॉर्टेंट नोट्स थे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा सो ग्रेड बी ऑफिसर के लिए थ्री फेजेस में एग्जाम होंगे फेज वन ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फेज टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड फेज थ्री इंटरव्यू ओके जबकि ग्रेड ए के लिए सिर्फ टू फेजेज में एग्जाम होगा पहला आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा रिटर्न और दूसरा जीडी डी एन इंटरव्यू ठीक है तो पहले हम ग्रेड बी की बात करते हैं फेज वन जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा इसमें एक ही पेपर होगा सारे स्ट्रीम्स का एक पेपर होगा 200 मार्क्स होंगे 150 फिफ्टी मिनट्स सो ये जो है और यहां पे फिर इसी का डिटेल दिया हुआ है सो so, आप ऐसा मत समझे कि ये और ये अलग है यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है और यहाँ पे डिटेल्स है तो हम डिटेल्स ही देख लेते हैं यहाँ पे ऑल स्ट्रीम्स के लिए फेज वन का जो पेपर होगा वो सेम होगा इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 35 मिनट्स जनरल अवेयरनेस प्लस फिनांशियल सेक्टर अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 25 मिनट्स कंप्यूटर अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 25 मिनट्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड 30 मिनट्स सो so 190 नाइनटी क्वेश्चन होंगे टू हंड्रेड मार्क्स होंगे वन मिनट्स होंगे सेपरेट टाइमिंग है सेक्शनल कट ऑफ होगा और फिर एग्रीगेट कट ऑफ भी होगा नेगेटिव मार्किंग भी होगी सो so ये सारी चीजों का आप ध्यान रखें इसके बेसिस पे अब आपका अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको आप एलिजिबल होंगे फेज टू लिखने के लिए और फेज टू में फिर कैसे एग्जाम होगा वो हम देख लेते हैं क्विकली फेज टू में पेपर वन और पेपर टू अच्छा चूंकि तो किया है तो आपको एक ही बार ये एग्जाम देना पड़ेगा पेपर वन का क्योंकि वो कॉमन होगा और उसी का जो रिजल्ट होगा लेकिन कट ऑफ फिर जो फाइनल रिजल्ट आएंगे उसमें अलग अलग होगा तो हो सकता है आपका जनरल में सिलेक्शन हो जाए लेकिन आई में ना हो मे बी डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ डिसाइडेड बाई एन अगर हम फेज टू की बात करें तो पेपर वन ऑल स्ट्रीम्स का इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा हंड्रेड मार्क्स का मिनट्स में जैसा कि सेबी आरबीआई नबार्ड वगैरह में होता है पेपर टू जनरल के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन कॉमर्स अकाउंटेंसी मैनेजमेंट फिनांस कॉस्टिंग कंपनीज एक्ट इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर तो आप देख पा रहे होंगे अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हैं कि लगभग लगभग सिलेबस से सेम ही है सो अब जब सेबी का एग्जाम होगा सेवनटीन जनवरी को आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ईजियर हो जाएगा आपके लिए अगर आप सेबी के कैंडिडेट हैं हंड्रेड मार्क्स फोर्टी मिनट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आईटी स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम इसका जो सिलेबस सिलेबस है वो भी में दिया हुआ है इसी नोटिफिकेशन डिटेल में ठीक है अब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो उसके लिए ये फेज टू का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फेज वन आपने क्लियर किया वो अब मेरिट लिस्ट में वो काउंट नहीं होगा आपका फेज टू ये जो 200 मार्क्स का फेज टू है प्लस इंटरव्यू अब जो इन्होंने वेटेज दिया है वो आप देखें फेज टू एग्जाम में जो ऑनलाइन रिटर्न में आपके मार्क्स आएंगे उसका वेटेज है सेवेंटी परसेंट और जो आपका डेजरेबल एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है ग्रेड बी में उसका वेटेज भी है टेन परसेंट और मार्क्स ऑफटेन्ड इन इंटरव्यू इसका है ट्वेंटी so परसेंट सो वेटेज रहेगा आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए ये बात हो गई ग्रेड बी की अब हम आते हैं ग्रेड ए पे ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका फेज वन ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद उसके बेसिस पे आपको ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी यहाँ पे भी 200 मार्क्स होंगे 150 मिनट्स 200 मार्क्स की डिटेल्स यहां आप देख सकते हैं

इसमें आपका जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा ग्रेड बी या ग्रेड ए दोनों में भी इंग्लिश का जो पेपर है उसको छोड़ करके बाकी सारा पेपर बाई होगा आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं जो आपका फेज टू होगा वो ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होगा और अब जो वेटेज है जिसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो जो रिटर्न एग्जामिनेशन था उसका सेवेंटी वेटेज है ग्रुप डिस्कशन का 10% और इंटरव्यू का 20% ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी पे भी किसी से भी किसी भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं पे एंड अलाउंसेस तो अगर हम ग्रेड बी की बात करें सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो सीटीसी है टोटल सीटीसी कंसिस्टिंग ऑफ पे एंड बेनिफिट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड बी एट द ऑफ ऑफ स्केल पे वुड बी बिगिनिंगली रुपीज ट्वेंटी जब आप ज्वाइन करेंगे शुरुआत में आपकी इतनी सैलरी होगी और अगर हम ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो ये एटीन लाख पर एन होगी सो बहुत ही अच्छा है अगर मैं कहूं अगर आप बैंक पीओ से कंपेयर करते हैं बहुत ही अच्छा है Examination centers आप देख सकते हैं Description box में में होगा वहां से आप detail में देख अगर हम application fee की बात करें, तो थाउजेंड रुपी एप्लीकेशन फी है एस सी एस टी पीडब्ल्यू बी डी एंड वेमेन के लिए, uh, लिए नील है कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है सो so, अगर आप मेरी सलाह माने तो अगर आप बैंकिंग किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइनल ईयर में हैं तो भी आपको जरूर ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस विल गेट दैट फील और जो कि नेक्स्ट ईयर आपको काफी मदद करेगा अपने एग्जाम्स क्लियर करने में और अगर आप सेबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से कुछ भी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी सिर्फ आप मॉक टेस्ट लिखते रहें उसी तैयारी में इसके इसके मॉक टेस्ट इस एग्जाम के मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी वेबसाइट पे दो तीन दिनों में आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे और मेरे ख्याल से आप सभी को मालूम है कि आई एग्जाम भी वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं तो आपको उसके लिए भी कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप आई एग्जाम भी पे किसी ऑनलाइन कोर्स के लिए इनरोल होना चाहते हैं तो अभी आप क्रिसमस गिफ्ट का बेनिफिट ले सकते हैं सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग